नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता रानी, जय श्री काशी विश्वनाथ, जय श्री राम। मैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं पंडित अश्विनी चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं सुख समृद्धि को बढ़ाने और निरंतर लाभ प्राप्त करने के उपाय के बारे में, जिसको कि आप यदि अपने घर में इस क्रिया को नित्य प्रति करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी और आपको सदैव जो है लाभ की प्राप्ति जो है होती रहेगी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में इसी उपाय के बारे में जानेंगे, जिसको करने से आप जो है सदैव जो है सुख समृद्धि अपने घर में बढ़ा सकेंगे और सदैव अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर जो है लाभ को प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरा आप समस्त लोग से निवेदन रहेगा, यदि आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पे आने वाले तमाम प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू कर लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको इस चीज को डेली ध्यान देना है, इसको आपको अपने घर में प्रतिदिन करना है। क्या करना है, आपके घर में जिस समय रोटी बने, रोटी बनने के समय आपको जो है पहले जो तीन रोटी बनते हैं उन तीन रोटी को निकाल लेने हैं। यानी रोटी जब बन रहा है तो पहली जो तीन रोटी हैं उन तीन रोटी को निकाल लेना है। उन तीन रोटियों को जो है गौग्रास यानी गाय को देना है और कुत्ते को देना है और पक्षियों के लिए निकाल देना है। इसमें इन रोटियों में थोड़ा सा आपको घी लगा देना है। घी लगाने के पश्चात तीनों रोटियों में थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे, देसी घी, शुद्ध देसी घी लगा देंगे और उनमें जो है थोड़ा थोड़ा मीठा लगा देंगे। मीठा आप गुड़ लगा सकते हैं, गुड़ या चीनी थोड़ा सा लगा लेंगे या कोई भी मीठा आप थोड़ा सा उस पर लगा लेंगे। लगाने के पश्चात आप जो है गौ माता को खिला देंगे, प्रथम रोटी जो है गौ माता को, इसके बाद जो है एक कुत्ते को खिला देंगे और जो तीसरा रोटी रहेगा उसको आप जो है कौवे को खिला देंगे, यानी पक्षियों को खिलाएंगे। कौवा मिल जाएगा तो सबसे अच्छा, यदि कौवा ना हो तो आप अपने छत के ऊपर या कहीं पे रख दें जहाँ से कि पक्षी उसे खा सकें। ये तो हो गई कुछ उपाय जो कि आपको निरंतर यानी प्रतिदिन आपको अपने घर में करना है। इसके अलावा आपको बुधवार के दिन इस उपाय को भी आपको बुधवार के दिन अपने घर में करना है, और जो पहले उपाय जो बताए उसको जो है प्रतिदिन आपको करना है, लेकिन इस उपाय को बुधवार को ही करना है। क्या करना है, गौ माता को यानी गाय को आपको जो है बुधवार के दिन हरी सब्जी, हरा चारा गाय को जो है खिलाना है। इससे भी आपके घर में जो है निरंतर जो है सुख समृद्धि जो है बनी रहेगी और आप हर कार्य में लाभ को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आप जो है तुलसी के पौधे में, तुलसी माता के पौधे में आपको जो है सुबह में नहाने धोने के पश्चात दूध जो है डालना है, दूध को चढ़ाना है। इसको भी करने से आपके घर में जो है सदा जो है समृद्धि और सुख जो है बरकरार और बना रहेगा। इन उपायों को करके आप जो है सदा हमेशा जो है लाभ को प्राप्त करते रहेंगे और आपके घर में जो है सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी का वास और घर में सदैव जो है प्रसन्नता बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ इस क्रिया को आप करके लाभान्वित होंगे और लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए कार्यक्रम में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अपने घर रिलेशन में जो भी लोग होंगे सबके पास जो है इसको आप शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए कार्यक्रम में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।